नमस्कार दोस्तों, म्यूजिकल मेधा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी अलंकारों के बारे में। जी हाँ, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सारे अलंकार होते हैं। यहाँ पर मेरा मतलब अलंकारों से स्वर समूह से नहीं है, यहाँ पर अलंकारों से मेरा मतलब है ऑर्नामेंटेशन। जी हाँ, म्यूजिक में जब कोई हम गाना गाते हैं तो बहुत सारे ऑर्नामेंटेशन किए जाते हैं और बहुत सारी जगह पे कहीं मुरकी लगती है, कहीं गमक आता है, कहीं मींड का प्रयोग होता है। तो आज हम बात करेंगे मींड के बारे में। मींड को हम सुरों के ऊपर कर्व या ब्रिज बनाकर डिनोट करते हैं। इसमें सुरों को ऐसे गाया बजाया जाता है कि उनके बीच में कोई खाली जगह न रह जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि मींड सुरों को जोड़ने का काम करता है। जैसे सा से म तक यदि हम मींड लेते हैं तो उनके बीच के सुरों को भी हम टच करते हैं, पर वो सुर अलग से सुनाई नहीं देते। मींड का प्रयोग हम एक नोट से लेके पूरे सप्तक तक कर सकते हैं। ये गाने में खूबसूरती भर देता है। मींड कुछ भी नहीं है, एक सुर से दूसरे सुर पे कर्व की तरह बन के आना। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल, सा प सा, हम ऐसे गाते हैं इसको, सा प सा सा प सा। इसमें देखा हमने एकदम प्लेन, एकदम सुर के हिसाब से गया। अब जब हम इसमें मींड का प्रयोग करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, सा प सा। आपने देखा वो ग्लाइड, छोटी सी ग्लाइड बन के आई। जब आप कोई भी गाना गाएं उसमें जब ग्लाइड बन के आती है तो वहां पे मींड का प्रयोग होता है। अगर आप बॉलीवुड एग्जांपल की बात करें तो रसिक बल मा, आपने नोटिस किया कर्व, रसिक बल मा। अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो ये होगा, बिन बताए मुझे ले चल कहीं। इस गाने में भी मींड का प्रयोग है और बॉलीवुड के बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिसमें मींड का प्रयोग है। ये मींड हमारे गाने में खूबसूरती भर देता है। दोस्तों, आगे भी मैं वीडियोस बनाती रहूंगी, आज के लिए इतना ही। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, जिससे कि मेरे नए वीडियोज आप तक पहुँच सकें।